हेलो गाइस, ओके तो कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है राजस्थानी प्लेयर्स। और अभी मैं अपने खेत पे हूँ और आज यार हम क्या करने वाले हैं बस वो तो यार स्टार्ट करके बताते हूँ, मतलब बताता हूँ। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी मैं यहाँ पे वीट लेने के लिए आया था क्योंकि यार मेरे पास जो फॉर्च्यून 3 आने वाली है इस एपिसोड में, हालांकि क्या पता इस एपिसोड में ना आ पाए, बट उसके लिए जो बुक है, एक विलेजर था मैंने आपको बताया था वहाँ पे जो जिसके पास फॉर्च्यून 1 थी, तो उसके पास से मैं लेके आया था। फिर मैं एक और लेके आया था उससे ट्रेडिंग करके, तो मेरे पास वो दोनों मिला के अब फॉर्च्यून 2 हो गई है। और अब मेरे को फॉर्च्यून 2 और फॉर्च्यून 2 चाहिए जिससे मैं फॉर्च्यून 3 बना सकूं जिसका हाईएस्ट लेवल है। ओके, तो मैं एक और बुक मेरे को मिल गई है, 4 चाहिए फॉर्च्यून 1 के लिए। तो अब मेरे को एक लास्ट एक और चाहिए जिसके लिए यार मैं वीट ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर विलेजर है फार्मर्स के जो मेरे को एमर्ड देंगे, और एमर्ड और बुक से मैं लास्ट जो अपनी फाइनल फॉर्च्यून 1 है वो ले सकता हूँ और मेरे पास आ जाएगी फॉर्च्यून 3। तो पहले तो यार ये यहाँ पे मैंने क्रीपर देखा था, यहाँ पे घूम रहा था, मैंने देखा था क्रीपर एक, लगता है अब नहीं है। अब पता नहीं यार ये क्या, अच्छा यहाँ पे पड़ गया है ये तो। हाय गुसदेल, चल उठा इसको पहले यार मैं मार ही देता हूँ वरना ये फटेगा। ले फट गए, वैसे कुछ नहीं होगा, पानी में था। और ये पता नहीं गायब हो गए, पता नहीं क्यों यार, कैसी झंझट है यार मेरे को यार, ये गायब होने वाली क्या बात है यार, पता नहीं हद हो गई यार, ऑलवेज गायब हो जाते यार पता नहीं क्यों ही। तो अभी चलता हूँ मैं अंदर और मैं अपनी जो फॉर्च्यून वाली वो बुक वगैरह बता देता हूँ। और मैंने अपने जो यहाँ पे एक किया है कि यहाँ पे बेड नहीं है, मैंने यहाँ पे एक रूम बना दिया है जहाँ पे मैंने बेड लगाया है और यहाँ पे मैं सोता हूँ और थोड़े नीचे लग गए क्योंकि जब बेड के ऊपर मैं उठता था तो यहाँ पे थोड़ा सा अटक जाता था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया नीचे। और ये नीचे जाने का रास्ता, और मैंने एक और माइनिंग की वाली जगह बनाई है और मैंने डायमंड्स भी ढूंढे, तो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो नीचे मैंने डायमंड ढूंढे और इस तरह मैंने वाई कोऑर्डिनेट्स जो ऊपर देखते हो आप पोजीशन, वो अभी 22, 21, 19, 18 जो हो रही है यहाँ पे 22 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है फर्नेस वगैरह रखे और ये मेरे को खुदाई से मिले हैं। थोड़े आयरन तो मैंने ऊपर रख दिए, बाकी बहुत थे यार। तो ओके, और मैं आपको जाके बताता हूँ डायमंड्स कहाँ हैं। और ये यहाँ पे एक जगह आई थी खाई वाली, तो इस तरह से, और ये ऊपर चढ़ने का मैंने रास्ता कर दिया है। एक मिनट, ओके तो अब चलते हैं अंदर और डायमंड्स बताता हूँ मैं कि कहाँ पे मेरे को खुदाई में डायमंड्स मिले हैं। ओके, तो मैंने जो ऊपर भी लिखा हुआ आता है कि 12 कोऑर्डिनेट्स पे, तो यार मैंने कभी खुदाई नहीं की थी, लेकिन एक यूट्यूबर का मैंने देखा था जो कि 12 मतलब इस तरह खुदाई कर रहा था और उसके पास क्या डायमंड्स थे, बहुत सारे डायमंड्स हो गए थे उसके पास, और उसके पास फॉर्च्यून 3 भी थी। तो अब मेरे पास भी आ रही, और फॉर्च्यून 3 लेने के बाद ही जो सामने डायमंड्स है वो मैं तोड़ूंगा जो मेरे को अभी खुदाई के समय मिले हैं। अभी 26 है और ये क्या है, अच्छा तो इसे बंद करना होगा, पता नहीं क्या ये, बंद कर देता हूँ इसे मैं। ओके, तो ये रहे डायमंड्स और ये और क्या आ गया यार। ओके, तो ये तो गुफा है जहाँ पे मैं पहले मतलब खुदाई करता था। तो ये रहे डायमंड्स और 1, 2, 3 और नीचे और भी है, तो अभी तो मैंने नहीं देखा है कितने है, मेरे को तो अभी 4 दिख रहे हैं। ओके, तो फॉर्च्यून 3 लाने के बाद जब मैं इनको तोड़ूंगा तब पता चल जाएगा कि कितने हैं। और ये रास्ता मैंने बनाया सीधा उस गुफा की तरफ, मतलब जो है जहाँ पे मैं रिसोर्सेस वगैरह रखी हुई है, डायरेक्ट उधर ही जाता है ये रास्ता, ये ऊपर चढ़ो और फिर ऐसे। ठीक है, ओके, तो अब एक मिनट, ओके तो फटाफट से अब चलते हैं ऊपर और जो चाहिए सामान वो ले लेते हैं और चलते हैं विलेज की तरफ क्योंकि आज ट्रेडिंग करके लास्ट है जो हमको बुक चाहिए। ओके, तो थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ।
तो एक फॉर्च्यून वन है जो ये रही मैंने यहाँ पे रखी है। ओके तो एक मिनट। ओके एंड जो फॉर्च्यून वन, एक मिनट। अबे यार अब ये पता नहीं यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे, जब भी ये देखो अंधेरा सा हो जाता है यार। ये पता नहीं यार बहुत गंदा सा बग है, पता नहीं क्या है ये। तो एक मिनट, वन सेकेंड। ओके तो नीचे मैंने और भी रखी है, इस चेस्ट में मैंने थोड़ी और चीज़ें भी रख दी है जो ब्लॉक्स वगैरह है, क्योंकि इन्वेंट्री एकदम से फुल हो गई थी इसलिए मैंने रखे थे। जब मैं खुदाई करने गया तो बहुत सारे कोबलस्टोन हो गए। ओके तो ये रही हमारी फॉर्च्यून टू, और देखते हैं क्या पता फॉर्च्यून टू फॉर्च्यून वन मिलाने से मिलेगी कि नहीं। अबे यार रख। ओके तो एक मिनट, तो फॉर्च्यून टू ही मिल रही है जैसा आप देख रहे हो, तो इसके लिए तो फॉर्च्यून टू ही चाहिए, जिसके लिए मतलब फॉर्च्यून टू और फॉर्च्यून टू मिल के जो फॉर्च्यून थ्री हमको आ जाएगी। तो एक और चाहिए फॉर्च्यून, जिससे हम इसमें मिला के इसको भी टू बना देंगे, फिर हमारे पास टू और टू मतलब दो दो हो जाएगी फॉर्च्यून की, लेवल टू की। उनको मिलाने के बाद हमारे पास फाइनली आ जाएगी फॉर्च्यून थ्री। तो फटाफट से पहले सो जाता हूँ एक मिनट, अभी तो यार रात हो रही थी, कहाँ पे रात हुई नहीं क्या। एक मिनट यार, अब पता नहीं रात की झंझट। ओके तो हो तो रही है रात, तो क्यों नहीं सो पा रहा हूँ यार, रात तो हो रही है सो क्यों नहीं पा रहा हूँ यार। एक मिनट ऊपर जाके देख लेता हूँ हुआ क्या है आखिर। अब यार कुलड्रॉन के साथ यार ये क्या हो रहा है आखिर, पता नहीं चल रहा है यार। ये ब्लैक ब्लैक ये देखो यार, हद कर दी यार इसने, क्या क्या यार करूँ मैं इसका। ओके तो रात हो रही, अब जाके सो जाते हैं और फिर हम जो है बीट वगैरह लेके हम जाते हैं विलेज की तरफ। ओके और अब गंदा सा लैग कर रहा है यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है पता नहीं चल रहा है यार अभी तक। ओके तो ओके तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ सब, मैं सामान लेके फिर विलेज में ही आपको मिलता हूँ। ओके तो एक बार मैं थोड़ा सा स्कीप कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत सारे वीट चाहिए होंगे। ओके तो इतने सारे मैंने ले तो लिए, अब क्या करें यार वो ख़त्म हो गए जो बोन मिल है। तो जो मेरे को स्केलेटन जो स्पॉनर मिला था मेरे को, तो वहाँ पे क्या है मैंने कुछ उसका फार्म बना दिया एक्सपी फार्म, और उनकी जो बोन्स वगैरह मिलती है तो मैं वो थोड़े लेके आ जाता हूँ और साथ में लेके चलता हूँ, क्योंकि यार अगर वहाँ पे नहीं मिले ज़्यादा, अगर एमरल्ड अगर वीट ख़त्म हो गई मेरी तो मैं वहाँ पे फार्म से और ले लूँगा वीट। ओके तो पहले मैं नीचे जाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ वो जो मैंने फार्म बनाया है, और अभी पूरा नहीं बना है। जो एक फार्म होता है जैसे ऑटोमेटिक ऊपर आ जाते हैं स्पॉन होने के बाद, वैसा नहीं किया है मैंने, मेरे को तो नीचे जाना पड़ेगा, तो वो बाद में कर लेंगे जब टाइम आएगा तब कर लेंगे, अभी तो ऐसे ही किया है मैंने। ओके तो वो पानी के साथ मैंने बनाया, तो वो पानी के साथ बहकर यहाँ पे आ जाते देख सकते हो, और यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे बोन्स वगैरह है। ओके तो चलते हैं, और इसमें मैंने क्या रखा था कुछ नहीं है।
ओके तो चलते हैं और फटाफट से विलेज में ही मिलता हूँ मैं आपको। अरे यार अब खाना ही भूल गया क्या मैं? हद कर दी यार, फिर से घर जाना पड़ेगा, क्योंकि यार मैं वीट्स के तो यार ब्रेड नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वीट तो यार वो लेंगे और एमर देंगे, तो घर जाना ही पड़ेगा वापस लेने। और एक ये 2 मेलन, इनसे क्या होगा यार, पता ही नहीं चल रहा मेरे को। ओके तो अब एक ही रहे, तो पहले घर जाते हैं, और अगर रात हो गई तो सो के भी आ जाते हैं, सुबह ही जाएंगे वापस। यार अब पता नहीं है रात हुई कि नहीं, बारिश भी आ चुकी है। वैसे घर जाते हैं और मैं जो है नाइट विजन पोशन ले लेता हूँ, ताकि जो रात में है मैं देख सकूँ, मतलब रात में भी मैं जो है चल सकता हूँ आराम से, साफ साफ दिखेगा, तो उसके लिए नाइट विजन ले लेता हूँ। ओके फटाफट से घर जाके। और यार ये ब्लैक ब्लैक, यार मैं सच्ची में यार इसके कारण माइनक्राफ्ट खेलने का मन नहीं करता यार, पता नहीं कैसा बग है यार ये। अब मेरे घर को देख लो यार, ये पता नहीं यार क्या हो रहा है इस माइनक्राफ्ट में यार, माइनक्राफ्ट वाले इसे हटा क्यों नहीं देते यार? सच्ची में माइनक्राफ्ट में बहुत सारे बग्स वगैरह आ गए यार, हटा ही क्यों नहीं देते? और ब्लैक ब्लैक है बार, तो यार रिस्पॉन पॉइंट सेट भी सेट नहीं था क्या? और खाना ले लेता हूँ ऊपर से, फिर चलते हैं, देखता हूँ यहाँ पे कुछ हो। अच्छा तो ठेंगा यहाँ पे तो कुछ ही नहीं यार, हद कर दी। अब सामान गायब, पहले बेड वगैरह गायब हो रही थी, अब ये नहीं, गायब नहीं हुआ है, शायद मैंने दूसरी जगह रखा है। एक बार देख के आ जाता हूँ पीछे। यार अब मुझे यार गुस्सा आ रहा है, बस पता नहीं आ रहा है क्या यार ये। तो एक बार देख लेता हूँ कहाँ पे कि, तो टॉर्चेस मैंने बहुत सारी बनाई है, एंड यार कहाँ पे है मेरे जो आलू है, कहाँ पे रखे मैंने पता ही नहीं चल रहा है यार सच्ची में। ओके तो ये रहे, मिल गए। ओके वीट यहाँ पर भी है, ठीक है अब चलते हैं यार फटाफट। और कोल वगैरह मैं लेके जाता हूँ, क्या पता कोल से भी वो मतलब और दे दे। ओके तो चलते हैं खाना खाते हुए। ओके तो फटाफट से विलेज में ही मिलता हूँ मैं आपको। एक बार मैं फिर से भूल गया भोलकड़ा कहीं का, मैं तो यार पता नहीं यार कुछ कुछ भूल जाता हूँ। अब ये तो वाटर प्रूफिंग है, नाइट विजन ये रही, 2 ही ले लेता हूँ, 2-3 ले लेता हूँ वहाँ पे रुकूँगा तो। ओके तो मिलते हैं फटाफट विलेज में। तो 1 मिनट, जो सामने मेरे को विलेज मिला है, तो 1 मिनट, जो सामने मेरे को विलेज मिला है, तो ये विलेज नहीं है, यहाँ पे नहीं है, एक दूसरा विलेज है जो मैं गया था शिपरेक ढूंढने के लिए, फिर मैंने सोचा नहीं अकेशिया वाले लेने जाता हूँ, अब शिपरेक नहीं मिलेगी तो यार वहीं पर जाते जाते मेरे को एक विलेज मिला था, बट ये नहीं है। लेकिन यहाँ मैं देख लेता हूँ, अगर कोई फिशरमैन वगैरह हो तो उनसे मैं जो है ले सकता हूँ ट्रेडिंग करके। मेरे पास अबे तो ये गाजर है, ये क्या फार्मर है, खा रहा है केला, केला गाजर ठूस रहा है। ओके तो यार वो यार इतने 21 से नहीं देता था यार, एंड ये तो क्लैरिक है। ओके तो क्लैरिक, ओके तो बढ़िया बात है। अबे यार रुक जा, कहाँ पे दौड़ रहा है, अब रुक। ओके अब इस ये क्या देगा, ये तो कुछ ही नहीं देगा, ये तो ठेंगा भी नहीं देखा, पता नहीं क्या दे रहा है ये। और ये फिर से वही है फार्मर, यार 21 वीट थोड़ी नहीं लेते थे यार वो वाले तो। और ये भी 21 यार ले रहा है, वो तो यार 18 ले रहा था। ओके तो ये नहीं है, और ये तो फिर से वही होगा क्लैरिक। ओके एक मिनट, इसके और क्या खुला है, तो लैपिश देता है एमर के बदले में, तो अभी हमें लैपिश नहीं, अभी हमें फॉर्च्यून 1 चाहिए, जिससे हम फॉर्च्यून 3 बना सके। पता नहीं
हद है, तो उसी विलेज में जाऊंगा मैं। तो चलते हैं फटाफट, इसको भी एक बार देख लेता हूँ, ये तो फिर से वही है, तो उसी विलेज में चलते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे इनके वीट गई है तो ये ले लेता हूँ। ओके, जिससे और वीट आ जाएगी तो यहीं से मैं ले लेता हूँ, क्योंकि वीट तो मेरे पास बहुत है, और क्या पता ये दे दे, मतलब हो जाए मेरे पास इतने। और अभी मेरे पास कितने हैं एमड है वो मेरे को देखना होगा, क्योंकि 11 चाहिए। ओके, तो मेरे पास 5 है, यानी सिर्फ 6 और चाहिए, तो ले ही लेता हूँ यार। कहाँ पे फार्मर देखता हूँ यार, ये तो 21 वाला ही है, लेकिन लेनी पड़ेगी इससे ही। 1 2 3। ओके, तो फाइनली हमारे पास हो चुके हैं 11। ओके, तो अब चलते हैं फटाफट उस विलेज की तरफ जहाँ पे वो है, मतलब जो देता है हमको फॉर्च्यून 1, तो उस विलेज के पास जाना होगा। थोड़ा दूर है, लेकिन फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं। तो दोस्तों, वीडियो है जो थोड़ी लंबी बन रही है, देख सकते हैं आधे घंटे तक की हो रही है। ओके, तो अब मेरे को क्या यार, इसको डायरेक्टली स्किप ही करना होगा, यानी कि मैं आपको डायरेक्टली ही विलेज में ही मिलता हूँ, क्योंकि यार देखो फिर इतनी बड़ी बनेगी और फिर मेरे पता नहीं कैसे एडिटर है उनमें फिर सपोर्ट ही नहीं करेगी। नहीं यार, बिक गया या ऐसा ढिंगड़ा पूछड़ा, इतनी बड़ी फाइल लेके आ रहे यार, नहीं 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 हम नहीं लेंगे, ऐसे ही करेंगे यार नाटक। तो मैं डायरेक्ट विलेज में मिलता हूँ। तो गाइस, सामने हमारे विलेज, और देख सकते हो कितना चल के आया हूँ। मेरे पोजिशन देख सकते हो यार, कि घर से कौन सी पोजीशन थी और ये कौन सी पोजीशन, यार सच्ची में बहुत दूर है यार ये मैं। ओके, तो यार उस घर में जाता हूँ जहाँ पे मैंने इसको कैद किया हुआ है, उसको जो देता है हमें फॉर्च्यून। ओके, तो ये रहा और हमारा दोस्त और होस्ट हमको देगा फॉर्च्यून, ये रहा फॉर्च्यून देगा ये। ओके, तो ये रही बुक और ये 11, और फाइनली हमारे पास आ गई है फॉर्च्यून। और इस ये क्या दे। ओके, तो बेन ऑफ अर्थ पॉड, अर्थ्रोपॉड्स 4, ठीक है यार, कोई बात नहीं। और अब मैं जाता हूँ घर पे, तो डायरेक्टली मिलता हूँ घर पे, और मेरी कीप इन्वेंटरी चालू है, तो आपको पता ही है मैम मैं घर कैसे जाऊंगा, चल के तो नहीं जाऊंगा, क्या पता इतनी दूर चल के जाऊंगा, मैं तो डायरेक्टली मरूंगा और घर जाऊंगा, तो घर पे ही मिलता हूँ मैं वापस। तो गाइस, फाइनली मर के घर आए हूँ और ये फिर से ब्लैक ब्लैक, मुझे गुस्सा आता है यार, ये माइनक्राफ्ट वाले ठीक क्यों नहीं कर रहे यार इसे। ये लगाई लाइट, हो भी गया ठीक। ओके, पहले सो लेता हूँ क्योंकि रात हुई हुई है और मेरी एक पोशन बच गई है जो नाइट विजन की है। ओके, एंड तो अब देखते हैं यार, अब बना के नीचे चलते हैं और फॉर्च्यून 3 के लिए। तो ये रही फॉर्च्यून 1 और ये फॉर्च्यून 2, और मेरे पास फॉर्च्यून 1 है, तो फॉर्च्यून 1 और ये फॉर्च्यून 2 है। ओके, तो ये फॉर्च्यून 1 है, तो ये भी फॉर्च्यून 2 आ गई, और ये फॉर्च्यून 2 और ये फॉर्च्यून 2, तो फाइनली हमारे पास फॉर्च्यून 3 आ चुकी है। और अब मैं इसे लगाऊंगा अपने जो डायमंड पिकेक्स है, फटाफट से डायमंड्स को तोड़ के आऊंगा मैं। अब पता नहीं यार कितने यार ये एक्सपी लेगी। अब गड़बड़ी ये है कि मेरे को ये भी नहीं पता मैंने अपनी वो डायमंड वाली कहाँ रखी है पिकेक्स। ओके, तो यहीं पे है, तो ओके, तो फटाफट से जाके इस पे फॉर्च्यून 3 लगा लेता हूँ। अब पता नहीं यार क्या होगा, एक मिनट।
लग जा। आगे तो फाइनली हमारे पास है फॉर्च्यून 3। तो फटाफट से डायमंड्स को तोड़ के आता हूँ मैं, और एक मिनट भाई साहब रुको, ये क्या है, ये लैग है क्या है यार ये। तो कोई बात नहीं, नीचे जाता हूँ मैं। कालू, पता नहीं कालू क्या है यार आज, कालू मेरे कालू है ही यार, क्या यार ये। ओए भाई ये है क्या यार, कोई बताएगा मुझे। कोई बात नहीं, तो फॉर्च्यून 3 एंड तोड़ते हैं। ओके, इससे तो एक ही मिला था लास्ट जो मैंने तोड़ा, तो कोई बात नहीं, और बहुत अच्छी बात है अब फॉर्च्यून 3 भी है और डायमंड्स को भी मैं फॉर्च्यून 3 से ही तोड़ूंगा। तो जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया, क्या कर रहे हो, लाइक करो, और यार अभी जाके सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं हो मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो जाओ सब्सक्राइब करो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।